ऑलराइट, सो आज हम लोग जा रहे हैं सूर्यमल, प्यारा प्यारा सूर्यमल। ये कसारा घाट से आप लेफ्ट मारना है, थोड़ा स्टार्ट होने से पहले ही तो आप सूर्यमल के रास्ते पे लग जाते हो। और आज की जो स्पेशल चीज़ है वो है ये बाइक, दी एवेंजर 220। यार क्या प्यारी बाइक है यार ये, नॉट गोना लाई। बट यस, अभी ये लगभग 3,500 किलोमीटर चल चुकी है और मुझे हल्का हल्का अब इसमें से वाइब्रेशंस फील होने लग गया है। ऑफ कोर्स इट्स अ सिंगल सिलेंडर तो वो तो होना ही था, बट यार मज़ा आ रहा है। 70-80 इज़ अ गुड स्पीड फॉर दिस बाइक, आप दिन भर चला सकते हो 70-80 पे इसको, और माइलेज भी ये इसी रेंज में देती है। तो थोड़ा हमारे भाई साहब ने सो गिरा के थोड़ा इसका मिरर बेंड कर दिया, ये साइड वाला, ये जो रॉड होता है ये बेंड हो चुका है, यहाँ से इसके स्टेम से बेंड हो चुका है, तो ये वाला मिरर आज यूज़लेस है। बट है, इट्स ओके। अब सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि ये मिरर क्योंकि क्रोम वाला है तो ये जल्दी मिलता नहीं है यार ये मिरर, तो लेट्स सी कब तक मिलता है इसका स्टॉक। 75 इज लाइक परफेक्ट स्पीड, परफेक्ट। यहाँ पे प्लीज़ बहुत ध्यान से चलाओ भाई, यहाँ पे बहुत ख़राब है, कोई भी कभी भी आपके रोड पे आ सकता है। डोंट ट्राई टू गो ओवर 70-80 उसके बाद, क्योंकि आप गाड़ी कंट्रोल नहीं कर पाओगे, आप ही की रिस्क हो जाएगी। तो प्लीज़ थोड़ा ध्यान देना यार यहाँ पे, इट्स नॉट गुड। बाकी ओवरऑल यार टू गुड, गाड़ी इज़ टू गुड। 70-80 पे तो फ़र्क नहीं पड़ता गाड़ी को, एकदम चिल चलती है, एकदम मज़ा नहीं लाइफ। तो 100 पे तो भाई पहुँचेगी, आराम से 100 पे पहुँचेगी, बट आई डोंट लाइक 100 पे चलाना इसको, प्लस रिस्की हो जाता है यार। वाई टेक रिस्क, आराम से चलाएंगे। सो यप, दैट्स इट, यही बताना था इस रोड के बारे में कि ये कसारा घाट जाता है ये रोड। थोड़ा सा घाट इसमें घूमने मिलेगा, बट ओनली 15% समझो, 15-20% घाट मिलेगा, बाकी फिर हम लोगों को एक लेफ्ट लेना है रेलवे स्टेशन के पास से। अब वो आता है आगे तो मैं आपको दिखाता हूँ, तब तक के लिए बोरिंग हाईवेज है, रिकॉर्ड करके कोई मतलब नहीं है इसके बारे में। सो या, दैट्स इट, GoPro स्टॉप रिकॉर्डिंग। Rise up from the ashes, wings on my back, stay lit like a matchstick, we ain't coming back, I swear. Just let go and see what happens, gotta let go to see the magic happen. They got us a quick change, so we like a in phase. I just bought a new watch, time to make my wrist ring. The zero gravity keeps elevating me. I can feel the this part is vibrating. फ्रंट से इसकी वाइब्रेशन का आवाज़ आ रहा है हल्का हल्का, 80 की स्पीड क्रॉस करने के बाद। पहले नहीं होता था ऐसा, अभी हो रहा है। ओ माय गॉड, क्या प्यारा टर्न है यार ये भाई साहब, 90 ऐसे ही 90। यहाँ पे मेरे को आज भी याद है, मैं CBR पे था और ढेर सारी स्पोर्ट्स कार्स थी यहाँ पे, मैकलारेन, लैम्बोर्गिनी, फरारी, सच गुड रोड्स, बट बीच बीच में ये सब खराब खराब पैचेस, एंड यू कैन सी हाउ फ्लिकेबल दिस बाइक इज, डैम ब्रो। ओ मैन, की मीटियोर कितनी अच्छी लग रही है, मीटियोर मीटियोर। यहाँ से अंदर लेना है, जौहर, मोखाड़ा, खोड़ाला, इस रास्ते से अंदर लेना है। नाइस मैन, क्या नजारा है ये।
सो देयर इज नो पॉइंट यार, भगाने में कोई पॉइंट नहीं है, पॉइंट है इसको एंजॉय करने में. अमेजिंग. Amazing brakes, man. 32 kilometers of pure fun, man. This is going to be. क्या roads है? Wow, wow, wow. Amazing how the bike keeps its posture. Wow. Can you believe this? I'm doing this at 70. Holy crap. 60. Okay. Amazing, man. Kya follow karti hai bike. And the biggest point is, yaar, low end torque itna achha hai na gaadi ka. 45 pe bhi aap fifth gear se utha sakte ho gaadi ko. You don't have to downshift, and that is the main thing, bhai, in India mein. While agar aap ye CBR pe karoge aur aap 45 pe aa gaye ho, to aapko at least 5th ya 4th gear pe aana padta hai. Do gear down to karne hi hain. You see how awesome, man, kya turn hoti hai, bhai. This is effortless. Freaking effortless, bro. And main baat 5th gear, you don't have to do anything. Tumko bas throttle let go karna hai, turn karna hai, brakes dabane hai, wapas throttle karna hai. Gear down bhi nahi karna hai. The bike is super happy. Like Bajaj ने इसको बनाया है कि ये Indian के ऐसे Indian roads जो होते हैं ऐसे cornering वाले, घाट्स वाले, मतलब उसको cater करे, उसके लिए बनाया हुआ इंजिन है यार ये. And you will only understand this when you drive it, यार. You can't just see the bike and say, अरे तो chrome है, क्या है, अरे तो इंजन 220 है, लेकिन पाँच ही गियर है. I know पाँच ही गियर है, but that पाँचवा गियर is so effective. देखा कितने अच्छे ब्रेक्स थे गाड़ी के. दैट्स द होल पॉइंट ऑफ एबीएस. आप इसको बिंदास यूज कर सकते हो एंड यू नो कि नाइस किड होगी भाई. आई लव इट. हूएवर सेड कि भाई एबीएस कंपलसरी होना चाहिए, थैंक यू भाई. आज आपकी वजह से पता नहीं कितने एक्सीडेंट्स अवॉइड हो रहे होंगे. यहाँ के रोड्स थोड़े खराब हैं, बट इट्स ओके, नो वरीज, जाएगी उस पर से आराम से. आई लव दिस. ऑफकोर्स पीछे से आपको थोड़ा झटका लगेगा, इट्स नॉट लाइक इट्स हिमालयन और समथिंग, बट इट्स मैनेजेबल यार, इट्स कम्प्लीटली मैनेजेबल. बहुत आराम से चलती है. यू जस्ट नो कि यहाँ पे आप ब्रेक दबाओगे आप नहीं स्लिप होगे, बिकॉज ए बी एस जिंदाबाद. और क्या चाहिए यार. Especially when you are riding with someone, you know, you don't want to have an accident. So effortless, man, this bike. Well, बस मतलब सारा टेंशन वही होता है जब आप इसको सिटी में लेके चले जाते हो और शहर में आपके पास ट्रैफिक का टेंशन है. अच्छा, ये धीरे धीरे नीचे जा रहा है ना रोड, तो ये पानी धीरे धीरे ऊपर आ रहा है. सो दिस इज आई थिंक तनसा है. नहीं, तनसा तो पीछे गया. अमेजिंग अमेजिंग, ये तो देखो. डैम, ये अभी बनाया क्या यार. चलो देखते हैं कैसा दिखता है. ओह नाइस मैन, फील्स नाइस. संडे वसूल हो गया, संडे आज का. Whoa, this is bad, man. अच्छा मैंने फील किया लेकिन कि टायर फ्रंट का लॉक होता है फिर भी थोड़ा थोड़ा. अब ये नहीं पता कि सनसेट पॉइंट एक्चुअल में किधर है. नाइस. See the ground, so I am coming down,
to know I ain't ever coming down. Rise up from the ashes, wings on my back, stay lit like a matchstick. We ain't coming back, I swear. Just let go and see what happens. Gotta let go to see the magic happen. They got this a quick change, so we like a main phase. I just bought a new watch, time to make my wrist ring. The zero gravity keeps elevating me. जाने दो ना दीदी। अरे दीदी। ए धीरे धीरे बाबू। आजा आजा। चलो चलो वापस चलो। उनकी आंखों में मत देखो, चुपचाप सीधा निकल लो। हम क्यों भागे? They got this quick change, so we like a main phase. I just bought a new watch, time to make my wrist ring. फिर वाड़ा, वाड़ा से मेरे ख्याल से भिवंडी, भिवंडी से फिर आपको ठाणे, मुंबई, जो भी जैसा भी है आपका वहाँ पे उसको आपको जाना वैसा। और अगर आप सोच रहे हो मेरा ये मिरर कहाँ गया, सो उसका भी बता देता हूँ। इसको मैंने पार्क किया था जहाँ पे, वहाँ पे मड़ी था, सॉफ्ट मड़ था, सॉफ्ट, तो स्टैंड उसमें घुस गया धीरे धीरे और गाड़ी गिर गई। गाड़ी गिर गई, उसका वो जो मिरर का जो था वो ऐसे बेंड हो गया था, तो मैंने उसको सीधा करने की कोशिश की, लेकिन बेंड चीज़ को तुम सीधा करोगे तो वो पूरी क्रैक होके हाथ में आ जाती है। सो यार, रेस्ट इन पीस हो गया उसका। तो अब बहुत अलर्ट होके जाना पड़ेगा, बहुत सोच समझ के ओवरटेक्स करने होंगे, और कुछ नहीं। फील सैड फॉर द मिरर, बट इट्स ओके। व्यू, लोकेशन, रोड्स, वर्थ इट, एवरीथिंग इज़ वर्थ इट। यहाँ पे थोड़ा आराम से रहो, आराम से चलाओ, स्पेशली एबीएस नहीं है तो बहुत संभालो यार यहाँ पे, क्योंकि रोड पे मिट्टी है, ग्रेवल नहीं है, मिट्टी है, और वो मिट्टी से आपका ग्रिप ख़राब हो जाता है। बाकी मतलब एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है यार यहाँ का। अगर आप वाड़ा से भी आ रहे हो तो भी अच्छा ही है, बट आई रिकमेंड कि आप कसारा से होकर आओ, क्योंकि यार रोड बहुत अच्छा है वहाँ का, और एक घाट का एक्सपीरियंस जो आपको मिलेगा ना कसारा से सूर्यमल तक का, दैट इज़ सीरियसली वेरी गुड। और फिर चाहिए तो आप जाते वक्त आराम से ये शॉर्टकट वाले रास्ते से जा सकते हो। अगर आप कल्याण में रहते हो तो आपके लिए मुश्किल से ही 200 किलोमीटर्स टोटल होगा आके जाना। और अगर आप सोच रहे हो कि रिटर्न वापस कसारा से ही जाऊंगा, तो मैं अभी बता देता हूँ, आप वहाँ से आप सीधा आप रिटर्न नहीं ले सकते हो। आपको लिटरली आपको वो पूरा घाट का सर्किट कंप्लीट करके इगतपुरी से वापस पीछे आना पड़ेगा। तो जो चीज़ आने के लिए 125 किलोमीटर्स थी, वो चीज़ वापस जाने के लिए आपकी 145 किलोमीटर्स हो जाती है। बहुत प्यारी गाड़ी है एवेंजर, मज़ा आ रहा है इसको चलाने में, एकदम एफर्टलेस गाड़ी है। और इसकी क्रूजिंग स्पीड भी अराउंड जितना मैंने अभी तक चलाया है इसको 75 और 80, बहुत बहुत अच्छी चलती है 75-80 तक। उसके बाद आपको टिंगल्स यहाँ पे हैंडल बार पे, फुट पैग्स पे, वो सब आपको हल्का हल्का फील होने लगता है, सो दैट्स वन इशू। हाँ, लेकिन 80 के बाद अगर आप ये सोच कर ले रहे हो कि मेरे को तो 80 पे ही चलाना है, 70-80 मेरी सही स्पीड है, जो कि होनी भी चाहिए, तो बेस्ट है भाई, गाड़ी बेस्ट है। बस मेक श्योर करो आपकी हाइट बहुत ज़्यादा नहीं है, वरना आपका जो टेल बोन होता है वहाँ पे दर्द होता है, बिकॉज इसकी जो सीट है वो थोड़ी पीछे की तरफ से थोड़ी कर्व्ड है, उसकी वजह से टेल बोन पे थोड़ा दर्द होता है हाइटेड लोगों को। बाकी तो मीडियम, एवरेज और छोटे लोगों के लिए तो भाई परफेक्ट है। मेरे फ्रेंड ने इसको लिटरली 400 किलोमीटर चलाया था नॉनस्टॉप, वो छोटा सा है, मतलब जो इसका ओनर है उसका हाइट कम है, उसने तो मस्त चलाई थी एकदम, बोलता है नो इश्यूज। फ्रंट टायर्स पे थोड़ा कॉन्फिडेंस मुझे काफ़ी, मतलब फ्रंट टायर पे मुझे काफ़ी अच्छा कॉन्फिडेंस आ रहा है। MRF के हैं लेकिन चलते हैं, अच्छे चलते हैं।
ग्रिप भी करते हैं, ब्रेक भी करते हैं अच्छे से। बस आपको टायर प्रेशर आपको बहुत ध्यान देना है। टायर प्रेशर अगर आपने गलत कर दिया तो ये गाड़ी आराम से स्किड होती है टर्न वगैरह मारते वक्त, क्योंकि व्हील बेस बड़ा है ना गाड़ी का, सो बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है उससे, ज़्यादा हवा के प्रेशर से। सी फिफ्थ गियर 40 की स्पीड आराम से पिकअप करती है गाड़ी। आप लिटरली आप टर्न मार लो, 40 पे आ गए हो, फिफ्थ गियर पे हो, हल्का हल्का थ्रॉटल दो, चल दे देगी यार। बहुत बहुत इजी है इसको यूज़ करना गाड़ी को, एकदम एफर्टलेस गाड़ी है। हाईली रिकमेंड यार, हाईली रिकमेंड फॉर समवन जिसकी हाइट मीडियम या कम हो। 5'11" आई थिंक, 5'10", 5'9", 5'9" और उसके नीचे जो लोग हैं वो लोग बिंदास ले लो यार, बाकी उससे ऊंचे लोगों के लिए थोड़ा प्रॉब्लम है। सो या दैट्स इट, आज का वीडियो यहीं पे हम समाप्त करते हैं, बिकॉज आगे रोड होने वाला है थोड़ा ख़राब, सो नो पॉइंट इन शोइंग दिस। ठीक है, चलो बाय बाय। कंटेंट अच्छा लगा हो लाइक करो, सब्सक्राइब करो। कोई फ्रेंड आपका अगर एवेंजर के मूड में है, लेना चाहता है, उसके साथ शेयर करो, उसको हेल्प करो इन सब चीज़ों में, समझने में कि भाई गाड़ी है कैसी सच में। और यहाँ के रोड में मिट्टी है यार, आई हेट मिट्टी। ठीक है, चलो बाय बाय।